हेलो दोस्तों, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल द स्टडी टेक. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 2nd ऑफ अक्टूबर 2023. 2 अक्टूबर 2023 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे. सो द वीडियो इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक UPSC, SSC, railways, banking and other core sector. And the video is bilingual, it means I'm going to explain each and every article of the newspaper in Hindi and English so that aapko language ki problem kahin se bhi na ho. Aur agar aapko video pasand aata hai, hamara content pasand aata hai, padhane ka tarika pasand aata hai, then video ko like, share aur channel ko zarur subscribe kar lijiye taki aapko hamari aisi video ki update मिलती रहे. सो आज का डेट आप सभी को पता है, 2nd ऑफ अक्टूबर. आज के दिन गांधी जी का जन्म हुआ था. इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, हु वॉज बॉर्न ऑन 2nd ऑफ अक्टूबर 1869. ठीक है, इनका जन्म डेट याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ही वॉज एन इंडियन लॉयर, एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट एंड पॉलिटिकल एथिस्ट हु एम्प्लॉयड नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस to lead the successful campaign for India's independence from British rule. So you must have knowledge about such a great personality जिन्होंने लगभग 21 साल साउथ अफ्रीका में बिताए. जी हाँ, जब इनकी एज 23 हो गई थी 1893 के अराउंड में, तो वो साउथ अफ्रीका को रवाना हो गए थे. ओके, और लगभग 21 साल उन्होंने साउथ अफ्रीका में बिताए, where he developed his political views, ethics and politics. नाउ यहाँ पर साउथ अफ्रीका से इंडिया में आने का कारण क्या था, पहले तो आपको ये याद रखना है कि 1914 वो ईयर है जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया को आए थे. ठीक है, इनके आने का कारण आप सभी को पता होगा कि इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था इन साउथ अफ्रीका बिकॉज ऑफ स्किन कलर एंड हेरिटेज. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इनको एक्चुअली अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस करना स्टार्ट कर दिया था. ही वॉज नॉट अलाउड टू सिट विथ यूरोपियन पैसेंजर इन द स्टेज कोच एंड टोल्ड टू सिट ऑन द फ्लोर नियर द ड्राइवर देन बिटन व्हेन ही रिफ्यूजेस. ठीक है, तो देखिए इनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था. ठीक है, इनको यूरोपियन पैसेंजर्स के साथ बैठने नहीं दिया जाने लगा. उसके बाद इनको कहा गया कि आप ड्राइवर के साथ फ्लोर पे बैठ जाइए. जब उन्होंने इस चीज से मना किया कि आप हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं, तो उनको मारा भी गया. ठीक है, तो अगेन ये सब चीजें आप सभी को पता है, तो यही कारण बना उनका इंडिया में वापस आने का. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए. डू और डाई जैसे नारा भी इन्होंने ही दिया था. कब दिया था ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछे गए हैं. ठीक है, डू और डाई का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा किस ईयर में दिया गया था, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं. ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहां पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ स्लोड टू 10.2% इन सितंबर. आप सभी को पता है जीएसटी टैक्स कलेक्शन होते हैं. ठीक है, और अगर 2022 सितंबर के मंथ से कंपेयर करें इस साल के सितंबर का जीएसटी कलेक्शन, तो 10.2% हायर हमें देखने को मिला. ये जो चार्ट है इसमें ईयर ऑन ईयर यहां पर दिखाए गए हैं. देखिए, ये सितंबर 2021 का जीएसटी कलेक्शन है, ये सितंबर 2022 का जीएसटी कलेक्शन है, और ये 2023 के सितंबर का जीएसटी कलेक्शन है, जिसमें 2021 में 1.25 के अराउंड है. ओके, और सितंबर 2022 में 1.5 के आंकड़े को हमने दर्ज कर लिया था, और सितंबर 2023 में 1.5 के ऊपर जा चुके हैं. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. लास्ट टाइम जीएसटी कब स्लोअर पेस पे हमें देखने को मिला था, जून 2021 में जब हम COVID-19 से जूझ रहे थे, उस टाइम पर इकोनॉमी का जो लेवल था वो डाउन हो गया था. तो इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. ऑयल फर्म्स रेजेस ATF एंड कमर्शियल LPG प्राइस. कुकिंग गैस प्राइस रोज बाय 209 सिलेंडर. एस्टेब्लिशमेंट सच एज रेस्टोरेंट टू सेल आउट मोर फॉर फ्यूल इन फोर्थ मंथ इंक्रीज सिंस जुलाई. द प्राइस ऑफ जेट फ्यूल हाइक बाय 5%. देखिए, यहाँ पर जो 19 kg का जो सिलेंडर मिलता है, बड़ा वाला सिलेंडर, उसके जो प्राइस है उसको बढ़ाकर यहाँ पर कर दिया गया है, 209 रुपये बढ़ाया गया है. और मुंबई
दिल्ली और चेन्नई जैसे बड़े सिटीज में यहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्राइसेस यहाँ पर रहने वाले हैं। दिल्ली में जो 19 केजी का सिलेंडर है वो अब आपको मिलेगा 1731.50 पैसे में, और मुंबई में 1684 रुपीज़ में, और चेन्नई में 1898 में, मतलब कि समझ लीजिए 1900। ठीक है, गवर्नमेंट का कहना है कि 14.2 केजी के जो डोमेस्टिक एलपीजी कनेक्शन है उसके जो प्राइस है वन चेंज रहेंगे, मतलब कि उसके प्राइस बढ़ेंगे नहीं, घटे रहेंगे, मतलब जो 200 घटाया था वो वही रहेंगे। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ATF क्या है? एविएशन टर्बाइन फ्यूल। अगर ATF के जो प्राइसेस है वो बढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स एयर फेयर के जो प्राइस है वो भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ पर ये आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि 14.2 केजी का जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर है उसके प्राइसेस अनचेंज रहेंगे। ठीक है, और 19 केजी सिलेंडर के जो कमर्शियल कुकिंग गैस है उसके प्राइस 209 रुपये से बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट्स और होटल में आपको यहाँ पर जो फूड्स हैं वो अभी महंगे मिलने वाले हैं। और जो ATF है, जैसे कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इसको 5% से बढ़ाया गया है, तो इसमें भी आपको टिकट प्राइस में आपको देखने को मिलेगा एक हाइक। ठीक है, हालांकि 14.5 केजी के जो सिलेंडर से उसमें 200 का रिडक्शन देखने को मिला था, कब? अगस्त के मंथ में। ठीक है, अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना स्कीम के तहत। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव नॉलेज ऑफ सच आर्टिकल्स। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। यहां पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, कश्मीर बैट इंडस्ट्री हिट इट स्वेप्ट स्पॉट आफ्टर 102 ईयर। देखिए, यहाँ पर जो कश्मीर बैट इंडस्ट्रीज हैं इनको यहाँ पर बहुत अच्छा मौका मिला है। लगभग 102 साल के बाद अगर आप देखें तो जो कश्मीर विल्लोस हैं, कश्मीर बैट्स हैं, उनका यूज किया जाएगा 50 ओवर के वर्ल्ड कप मैचेस में। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी अचीवमेंट्स बहुत कम मिलती हैं। और आप अगर देखें तो अफगान के जो टीम्स हैं उन्होंने भी कश्मीर विल्लोस से खेला था और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। ओके, श्रीलंकन बॉलर्स दुष्मंता चमीरा 209 मीटर 6, ठीक है, तो मेकिंग इट लॉन्गेस्ट सिक्स इन T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर दिखाए गए हैं कि इनकी वजह से अगर आप देखें कि जो हमारी जो बैट मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी जो कंपनी है, वो इंटरनेशनल फोकस में आई। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 5 अफगान प्लेयर्स जो हैं वो पिछली बार यूज किया था इन्होंने, इनके बैट्स कश्मीर विल्लो। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर ये बैट प्रोड्यूस करते हैं। लगभग एक महीने में अगर आप देखें तो लगभग 3000 बैट प्रोड्यूस किए जाते हैं इनकी कंपनी के द्वारा। कश्मीर एक्सपोर्टेड अराउंड 1.35 लाख बैट्स इन 2022। 2022 वो ईयर है जिसमें कश्मीर ने लगभग 1.3 लाख बैट को क्या किया था, एक्सपोर्ट किया था। ठीक है, तो हमारी कंपनी लगभग 3000 बैट को प्रोड्यूस करती है, ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट इनके द्वारा दिए गए थे। और इनकी कंपनी को पहली बार कश्मीर में अगर देखा जाए तो ICC के द्वारा यहाँ पर सर्टिफाइड किया गया था 2021 में। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं जो कि अभी सामने निकल के आ रही हैं। और 102 साल के बाद अगर आप देखें तो वर्ल्ड कप में 50 ओवर के वर्ल्ड कप मैच में कश्मीर विल्लो का यूज किया जाएगा। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मध्य प्रदेश के बारे में ये कुछ स्कीम्स हैं, तो अगर आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर बहुत सारे स्कीम्स हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश बीट पॉवर्टी 1.3 लाख करोड़, मूव आउट ऑफ वायलेंस VCS साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो यहाँ पर बताया गया कि मध्य प्रदेश ने पॉवर्टी को बीट किया है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रहे थे, उनको यहाँ पर रजिस्टर्ड किया गया, उनको यहाँ पर जो सपोर्ट है, उनको यहाँ पर हेल्प देने की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल है, आप देख सकते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है और रिडक्शन इन पॉवर्टी क्या है ड्यू टू डेवलपमेंट इन एवरी सेक्टर। हर सेक्टर में डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पर पॉवर्टी में क्या हुआ, रिडक्शन देखने को मिला। पूरा आर्टिकल आप देखेंगे, ये 2 पेज जो है वो मध्य प्रदेश के बारे में है, ये 2 पेज जो है वो मध्य प्रदेश की एडवर्टीजमेंट के बारे में है। तो आप यहाँ से अगर आप देखें, ये पूरा पेज हो गया, उसके बाद ये भी हो गया, अफोर्डेबल मील टू 2.23 करोड़ अर्बन पुअर सिंस 2017। ठीक है, तो 2017 से अगर आप देखें तो 177 दीनदयाल रसोई सेंटर अब तक यहाँ पर खोल दिए गए हैं, और जो भी जो यहाँ नीडी लोग हैं उनको यहाँ पर मील्स देने की
अब बात की जा रही है, ठीक है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लिख लीजिए और इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पूरे यहाँ पर मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग आर्टिकल आया हुआ है, पुअर पेरेंट्स फ्री फ्रॉम वरीज ऑफ डॉटर मैरिज, ठीक है। तो डॉटर को, डॉटर की मैरिज को लेकर यहाँ पर जो पुअर पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से उनको बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है, तो अब उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मध्य प्रदेश की सरकार उनके लिए ये सारी अरेंजमेंट करेंगी। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश टू सेटअप वेलफेयर बोर्ड फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है। तो ये भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग आर्टिकल्स है, तो पूरे आर्टिकल्स को पढ़ा पाना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, ओके। नाउ मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल सेक्शन पे हम लोग मूव करते हैं। इंडियाज स्टैटिकल परफॉर्मेंस ऑन ग्लोबल स्टेज, तो वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली स्टैटिकल परफॉर्मेंस को यहाँ पर कंपाइल किया है, जिसमें इंडियाज की रैंकिंग थी उस टाइम पे 67 अमंग 174 कंट्रीज इन 2019, ठीक है। 2019 का ये ईयर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019 में जो SPI है, स्टैटिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी थी, 67 अमंग 174 कंट्रीज, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसके पॉइंट पता होना चाहिए कि क्या डायमेंशंस हैं, कैसे यहाँ पर ये रिपोर्ट को कंपाइल करते हैं, ठीक है। नाउ इसके बारे में आप सभी को मैं बता दूँ, तो द वर्ल्ड बैंक कंपाइल SPI को ये कंपाइल करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डाटाबेस पे। पांच पिलर्स हैं इनके, ठीक है, पांच पिलर्स है, वी कैन से दैट फाइव डायमेंशंस, ओके। नाउ ये पांच डायमेंशन कौन कौन है, डाटा यूज पहला डायमेंशन है, इट मींस पहला पिलर है, दूसरा डाटा सर्विस, तीसरा डाटा प्रोडक्ट, चौथा डाटा सोर्स एंड पांचवा डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इन पांच पिलर्स के बदौलत यहाँ पर सारी कंट्रीज को रैंक की जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का स्कोर कैसा रहा और किस पिलर में कितना स्कोर इंडिया को दिया गया। ओवरऑल स्कोर 2019 का अगर आप देखें तो 70.4 था, पिलर वन डाटा यूज में 80.0, पिलर टू डाटा सर्विस में 88.0, पिलर थ्री डाटा प्रोडक्ट में 60.0, पिलर फोर डाटा सोर्स में 68.9, पिलर फाइव डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर में 55.0। हावर इंडियाज रैंक 2019 SPI ओवरऑल स्कोर 67, पिलर वन डाटा यूज 101, पिलर टू डाटा सर्विस 35, पिलर थ्री डाटा प्रोडक्ट 105, पिलर फोर डाटा सोर्स 31 एंड पिलर फाइव डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर 73। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, ठीक है, ये यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। अभी ये जो लेटेस्ट स्कोर है, इट आर द स्कोर्स ऑफ द लेटेस्ट फ्रॉम 2019, ठीक है। तो ये जो लेटेस्ट स्कोर है ये 2019 से है, एंड अकॉर्डिंग टू दीज स्कोर्स इंडियाज ओवरऑल SPI स्कोर स्टैंडर्ड एट 70.4, placing its in 67th rank among 1/4 countries assessed, ठीक है। तो 1/4 कंट्री को यहाँ पर असेस्ट किया गया, मतलब 174th कंट्री को यहाँ पर रैंक किया गया, जिसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 67। तो ये आपको पता होना चाहिए, SPI स्कोर में इंडिया की रैंकिंग 67 है। इस रिपोर्ट को, इस असेसमेंट को कौन रिलीज करता है, तो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन रिलीज करते हैं ऐसे रिपोर्ट, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यू मस्ट नॉट कंफ्यूज, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। द पिलर वाइज स्कोर सो इंडियाज लोअर परफॉर्मेंस इन डाटा यूज एंड डाटा प्रोडक्ट पिलर विद स्कोर ऑफ 80 एंड 60 रिस्पेक्टिवली रिजल्टिंग इन पुअर रैंकिंग ऑफ 101 एंड 105। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो जो सबसे हमने लो परफॉर्म किया है वो किस फील्ड में किया है, किस पिलर में किया है, तो डाटा यूज और डाटा प्रोडक्ट के पिलर में किया है। हमारा स्कोर कितना था डाटा यूज में, 80, और डाटा पिलर में कितना था, 88, ओके। नाउ हमने सबसे लो, सबसे पुअर परफॉर्मेंस हमें इसी फील्ड में देखने को मिला, जिसकी वजह हमें 80 और 60 स्कोर्स हमें मिले, और उसकी में उसी में उसकी रैंकिंग बताई गई है कि 101 है एंड 105 है रेस्पेक्टिवली, मतलब कि डाटा यूज की जो रैंकिंग है ये 101 है और डाटा प्रोडक्ट की रैंकिंग कितनी है, 105। देखिए यहाँ पर ये है और ये डाटा प्रोडक्ट कहाँ गया, ये 105
5 है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। जो डाटा यूज है ये किस पे डिपेंड करता है, कैसे यहाँ पर जो डिफरेंट सोसाइटीज हैं, इंक्लूडिंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, सिविल सोसाइटी, एकेडमिक, इंटरनेशनल बॉडी, यूटिलाइज द स्टैटिक प्रोड्यूस बाय द सिस्टम, ठीक है। जो स्टैटिकल प्रोड्यूस होते हैं सिस्टम के द्वारा, उसको कैसे जो डिफरेंट लेवल के जो सोसाइटीज हैं उसको यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पर डाटा यूज का जो स्कोर है वो निकाला जाता है। द एसपीआई असेसमेंट 2019 कंसिडर्ड ओनली डाटा यूज बाय इंटरनेशनल बॉडीज, ठीक है। तो यहाँ जो एसपीआई असेसमेंट है 2019 का, इसने कंसिडर्ड किया कि जो डाटा यूज है वो किसके द्वारा किया गया है, ओनली बाय द इंटरनेशनल बॉडीज। इंडियाज परफॉर्मेंस वेल इन मेजर असेसिंग द कंपेरेबिलिटी ऑफ एस्टिमेट ऑफ चाइल्ड मोर्टिलिटी, डेप्थ रिपोर्टिंग, ड्रिंकिंग वाटर एंड लेबर फोर्स, ठीक है। तो इन फील्ड में इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, ठीक है, ये भी यहाँ पर कहा गया। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप इंडिया के असेसमेंट देखें तो जो पिलर डाटा प्रोडक्ट था उसमें क्या हुआ, इट एंकर्स द नेशनल स्टैटिकल सिस्टम परफॉर्मेंस अराउंड द एसेंशियल डाटा रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। टू इम्प्रूव अपॉन दिस, इंडिया हैज ऑलरेडी टेकन द राइट स्टेप बाय कंडक्टिंग अ मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे एंड कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मॉड्यूलर सर्वे इन NSS 78th राउंड 2020-2021 एंड 79 राउंड 2022-2023 रिस्पेक्टिवली फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा ऑन SDGs, ठीक है। तो SDGs मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो डाटाज हैं उसको कलेक्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ पर राइट स्टेप्स लिए हैं, कुछ यहाँ पर सर्वे कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे हैं या फिर कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मॉड्यूलर सर्वे यहाँ पर कंडक्ट कराए जा रहे हैं इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे रैंकिंग्स है। ओके, नाउ यहाँ पर डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहा गया है कि इंडिया का जो स्कोर है डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर में, इट वॉज 55। ओके, नाउ दिस पिलर एनकम्पास 5 सब डिवीजन, ठीक है। तो 5 सब डिवीजन है इस पिलर के भी। पहला क्या है, लेजिस्लेशन एंड गवर्नेंस, दूसरा है स्टैंडर्ड एंड मेथड्स, तीसरा स्किल, चौथा पार्टनरशिप, पांचवा फाइनेंस, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्किल एंड पार्टनरशिप वर नॉट कंसिडर्ड फॉर SPI 2019, ठीक है। स्किल और पार्टनरशिप में हमें यहाँ पर कमी देखने को मिला, इट वर नॉट कंसिडर्ड फॉर SPI 2019। ओके, इंडिया स्कोर फॉर लेजिस्लेशन एंड गवर्नेंस वॉज हाई, ठीक है। अगर इंडिया का स्कोर लेजिस्लेशन और गवर्नेंस में देखें तो वो बहुत ज्यादा हाई था, गिवन दैट नेशनल स्टैटिकल लेजिस्लेशन अलाइन वेल विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑफिशियल statics. Nonetheless, the overall score for data infrastructure is diminished due to moderate performance in standard and methods, ठीक है, and poor performance in finance, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो overall जो score था data infrastructure का, it was diminished, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर standards and methods में यहाँ पर poor perform किया और finance में भी हमने यहाँ पर poor performance किया, ठीक है। तो ये जो standard and method है इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए अच्छा, ठीक है, moderate performance हमारा यहाँ पर इसमें रहा, इसकी वजह से data इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्कोर है इसमें हमें कमी देखने को मिली, ठीक है। तो ऐसे ही करके ये रिपोर्ट रिलीज करते हैं, वर्ल्ड बैंक रिलीज किया है इस रिपोर्ट को, SPI को, ये आपको याद रखना है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग है 67 आउट ऑफ 174 कंट्रीज, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ओपिनियन पेज में एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था, देखिए आज की डेट में मैंने आपको पहले भी बताया है कि टीबी जो रेजिस्टेंस ड्रग्स हैं इसकी कमी यहाँ पर इंडिया में आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। और बहुत सारे मीडिया जैसे रिपोर्ट कर रहे हैं कि तमिलनाडु स्टेट्स में, चेन्नई हो गया, मुंबई जैसे स्टेट में जो जितने अमाउंट में जो कैप्सूल्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स अ फ्यूचर वेयर द एल्डरली विल मेक अप अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द सोसाइटी प्राइमरली ड्यू टू एडवांस इन हेल्थ केयर एंड इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखिए यहाँ पर एल्डरली पॉपुलेशन आने वाले टाइम में इंडिया में आपको बढ़ते हुए दिखेगा। अभी आज के डेट में अगर 2011 सेंसस के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका 9% अगर आपको देखा जाए तो वो एज अबव 60 है, ठीक है। तो 9% लोग आज के रेट में 60 एंड अबव हैं, एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 12.5% इन 2030, ठीक है। 2030 तक अगर आप देखें तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 12.5% के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो उनके रिगार्डिंग हमें रेडी, उस चीज के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। अक्टूबर 1 को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर यह कहा गया कि वी मस्ट रिजॉल्व टू इन्वेस्ट इन द हेल्थ केयर ऑफ आर एल्डरली पॉपुलेशन एंड पे अटेंशन टू देयर यूनिक नीड्स, ठीक है। तो उनकी यूनिक नीड के ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा और उनकी जो हेल्थ है उसके ऊपर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज स्पेशली ट्रू इन केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस,
विच अफेक्ट ओवर 25 लाख इंडियंस एवरी ईयर एंड किल एटलीस्ट 1000 एवरी डे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस जिसकी बीमारी बहुत ज्यादा इंडिया में फैलती जा रही है, 25 लाख इंडियन इससे अफेक्टेड हैं और लगभग 1000 लोगों की हर दिन डेथ होती है। इंडियन नेशनल टीबी प्रिविलेंस सर्विस 2021 रिवील्स दैट प्रिविलेंस ऑफ टीबी इन पीपल ओवर एज ऑफ 55 वॉज 588 पर 1 लाख पॉपुलेशन। ठीक है, तो देखिए 1 लाख पॉपुलेशन पे 588 केसेस हमें देखने को मिले 55 प्लस एज में। ठीक है, 55 से ऊपर की एज में अगर आप देखें तो 588 यहाँ पर केसेस हमें देखने को मिले हैं पर 1 लाख पॉपुलेशन, मस्ट हायर देन ओवरऑल नेशनल प्रिवेलेंस ऑफ 316। ठीक है, नेशनल प्रिवेलेंस कितना है, नेशनल प्रिवेलेंस है 316, उससे बहुत ज्यादा है ये। ठीक है, इतना होना चाहिए, मतलब कि मान लीजिए अगर केसेस आ रहे हैं तो 316 हो सकते हैं, ये नेशनल प्रिवेलेंस है, और इससे ज्यादा हुआ तो यहाँ पर वो एक टेंशन की बात हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कुछ टेंशन है यहाँ पर बताए गए हैं कि नेशनल प्रिवेलेंस जो टीबी के केसेस हैं पर 1 लाख पॉपुलेशन में एजेड 50 के अबव वो ज़्यादा है, 588 के अराउंड है। कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जैसे कि मान लीजिए टीबी अगर किसी इंसान को होता है तो कुछ सिम्टम्स है उसके, जैसे कफ हो गया, फटीग हो गया, ठीक है, कफ हो गया, फटीग हो गया एंड वेट लॉस के जो यहाँ पर सिम्टम्स है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, द रिस्क ऑफ हैविंग टीबी डायग्नोसिस डिलेड और मिस्ड ऑल टुगेदर इज हायर फॉर एल्डरली कंपेयर टू अदर एडल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो डायग्नोसिस जो होता है टीबी का उसमें हमें यहाँ पर जो एल्डरली और एडल्ट्स में जो डिफरेंशिएशन है वो देखने को मिलता है, मतलब कि इनकी एल्डरली पॉपुलेशन की जो डायग्नोसिस है उसमें यहाँ पर डिलेड देखने को मिलता है एज पर कंपेयर टू अदर एडल्ट्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर करना क्या चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि वी मस्ट मूव अवे फ्रॉम द डिजीज स्पेसिफिक वर्टिकल केयर प्रोग्राम्स टू हॉस्टाइल केयर। ओके, तो हमें मूव करना चाहिए हॉस्टाइल केयर के टुवर्ड्स, हॉस्टाइल केयर ऑफ मॉडल के टुवर्ड्स टू रिड्यूस द नीड फॉर एल्डरली टू इंटरेक्ट विद मल्टीपल प्रोवाइडर्स एंड फैसिलिटीज। वी मस्ट ऑल्सो बिल्ड कैपेसिटी अमंग्स हेल्थ प्रोफेशनल एट ऑल लेवल फॉर इम्प्रूव्ड क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ टीबी इन द एल्डरली एंड बेटर मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल मॉर्बिडिटीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें करना चाहिए। ओके, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल जो प्रोटोकॉल्स हैं दैट प्रोवाइड क्लियर गाइडेंस ऑन डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग टीबी इन एल्डरली। ठीक है, तो टेक्निकल और ऑपरेशनल जो प्रोटोकॉल हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, क्लियर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे इन डायग्नोसिंग टीबी इन एल्डरली पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, ये एग्जाम्पल। ओके, और अगर सोशियो इकोनॉमिक को एड्रेस करना है तो वी मस्ट डिजाइन एंड रोल आउट वेल कंसिडर्ड सपोर्ट प्रोटोकॉल विद इनपुट फ्रॉम एल्डरली पीपल्स विद टीबी। एग्जाम्पल ये यहाँ पर दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल। ओके, और बहुत बड़े लेवल पर अगर हमें करना है तो वी मस्ट एंश्योर रिग्रस जेंडर एंड एज डिसग्रेटेड कलेक्शन एंड एनालाइज ऑफ डाटा टू आइडेंटिफाई टीबी ट्रेंड अक्रॉस एज ग्रुप्स एंड टू मेक श्योर दैट एल्डरली आर इंक्लूडेड इन द सेपरेट एज कैटेगरी इन ऑल टीबी रिपोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर एल्डरली जो पॉपुलेशन है उसको यहाँ पर मैंशन करना होगा अगर हमें मैक्रो लेवल पे ऑर्गेनाइज करना है तो। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये ऑथर ने कुछ यहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं कि हमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ताकि जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करे एज पर कंपेयर टू एडल्ट। ठीक है, एडल्ट को यहाँ पर प्रेफरेंस ज्यादा दिया जा रहा है और एल्डरली पॉपुलेशन को इग्नोर किया जा रहा है, तो उनके प्रति भी यहां पर हमें सेम फीलिंग रखना है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, हैविंग हाउस होल्ड सेविंग रेडियस। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर कहा गया इस आर्टिकल के तहत कि जो हाउस होल्ड नेट फाइनेंशियल सेविंग है ये यहां पर गिर चुकी है। 2020-21 में ये कितने थे, ये 11.5 से गिर के आज के रेट में कितना हो चुका है, 5.1% तक आ चुका है। ठीक है, द रिलीज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मंथली बुलेटिन इन सितंबर रिवील्स दैट हाउसहोल्ड नेट फाइनेंशियल सेविंग हैड फॉलन टू 5.1 फ्रॉम 11.5 इन 2020-2021। फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑफ हाउसहोल्ड रोज फास्टर देन देयर एसेट्स। ठीक है, उनके एसेट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल लायबिलिटीज ऑफ हाउसहोल्ड ज्यादा है, विद मेनी राइटर हाईलाइटिंग दिस ट्रेंड एज द इंडिकेशन ऑफ राइजिंग इंडेबटनेस एंड इंक्रीज डिस्ट्रेस। ठीक है, जिसमें यहाँ पर बहुत सारे राइटर्स हैं वो यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं कि ऐसे जो ट्रेंड्स से आने वाले टाइम में अब क्या होगा, इंडेबटनेस बढ़ जाएगी और डिस्ट्रेस का जो लेवल है वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए आपको देखने को
मिलेगा, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक क्लेम है और एक पेस्टिमिस्टिक क्लेम है, ठीक है। तो ये इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक क्लेम क्या है एंड पेस्टिमिस्टिक क्लेम क्या है। ओके, देयर इज एविडेंस टू सपोर्ट द गवर्नमेंट नैरेटिव टू शिफ्ट फ्रॉम फाइनेंशियल टू फिजिकल असेट पोस्ट कोविड। देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन बिटवीन 2020 एंड 2021 एंड 2021 एंड 2022 द कंस्ट्रक्शन सेक्टर वॉज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर एंड ग्रोइंग नियरली एट 15% वाइल मेजर्ड इन 2011 एंड 2012 प्राइसेस ओनली 10% बिटवीन 2021 2022, ठीक है। तो 2021-22 में आप देखें तो 10% था और 2011-12 में अगर आप देखें तो 15% के आसपास था, ठीक है। तो ये जो सेक्टर है ये बहुत तेजी से बढ़ा है, जो कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है ये आप देखेंगे तो ये 15% की इसमें इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिली है, लगभग 15% से ये बढ़ा है। ये जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है ये अब तक का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर रहा। ओके, और यहां पर अगर आप देखें तो ओनली द ट्रेड होटल्स ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर ग्रो फास्टर इन लेटर पीरियड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेटर पीरियड्स हैं उसमें अगर आप देखें तो ट्रेड होटल्स ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो सेक्टर है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। हालांकि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो उस टाइम पे बहुत तेजी से बढ़े थे, अभी भी बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन जो ग्रोथ है वो उतना तेज नहीं, बहुत स्लो हो चुका है अभी ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पर लोन है, आज के डेट में जो लोन है वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, एजुकेशन पे भी लोन यहाँ पर मिल रहा है, व्हीकल पे लोन मिल रहा है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। Liabilities in other non-financial assets have also increased. Education and vehicle loans from SCBs increased significantly between 2021-2022 and 2022-2023, growing 17% and 25% respectively. देखिए यहाँ पर जो एजुकेशन लोन है और व्हीकल लोन है वो भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। 2021-22 में अगर आप देखें तो एजुकेशन और व्हीकल लोन बढ़ के कितना हो गया था, 17% के अराउंड बढ़ गया था, और 25% के अराउंड कब बढ़ गया था, 2022-23 में, ठीक है। तो ये भी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोगों की हाउस होल्ड सेविंग्स है वो यहाँ पर कम होता जा रहा है। नाउ यहाँ पर पेसिमिस्टिक क्लेम्स क्या है कि अदर एविडेंस पॉइंटेड आउट स्लाइटली डिफरेंट पिक्चर, द फॉल इन हाउस होल्ड नेट फाइनेंस सेविंग वॉज ड्रिवन लार्जली बाई राइज इन लाइबिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर लाइबिलिटीज बढ़ने की वजह से जो फाइनेंशियल सेविंग्स है हाउस होल्ड में वो यहाँ पर उसकी उसमें कमी देखने को मिली। ओके, ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट डिक्लाइन मार्जिनली एज शेयर ऑफ जी डी पी बिटवीन 2021-2022 एंड 2023 फ्रॉम 11.1% टू 10.9%, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 11.1% से 10.9% ये हो गया। ग्रॉस लाइबिलिटीज रिमेनिंग स्टडी एट रफली 3.8% ऑफ द जीडीपी बिटवीन 2019-20 एंड 2021-22, इंक्रीज टू 5.8 ऑफ द जीडीपी इन 2022-2023, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, द राइज इन लाइबिलिटीज वुड नॉट इम्प्लाय हाउस होल्ड हैव रिड्यूस सेविंग इफ इंक्रीज लोन फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन एंड परचेज ऑफ होम, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो जो राइज है लाइबिलिटीज में, इट वुड नॉट इम्प्लाइज इफ द हाउस होल्ड हैव रिड्यूस सेविंग इफ इंक्रीज लोन फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन एंड परचेज द होम, ठीक है। मान लीजिए अगर कि कोई इंडिविजुअल है, लोन ले लेता है घर बनाने के लिए, लोन ले लेता है और उसकी वजह से उसकी जो सेविंग्स है वो नहीं बच पाती है, तो इट वो उसमें काउंट नहीं होगा, ये यहाँ पर कहा गया है ऑथर के द्वारा। और एजुकेशन लोन भी हमारे कंट्री में आ गया है, आप सभी को पता है शिक्षा पे भी लोन है, ठीक है, और शिक्षा पे भी हम टैक्स देते हैं, ठीक है। शिक्षा को लेकर अगर आप मान लीजिए आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आप उस पर लोन लीजिए, ठीक है, और हम शिक्षा एजुकेशन हम लोग टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन पे भी हम लोग टैक्स देते हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहां पर एजुकेशन फ्री है, कोई टैक्स नहीं है उसके ऊपर, लेकिन हमारी कंट्री में भी एजुकेशन के ऊपर टैक्स लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आने वाले टाइम में इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है वो अलग लेवल पे होंगे, ये यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी का कहना है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, द इंडिया यूएस रिलेशन एट ऑल टाइम हाई एंड द टू नेशन हैव मूव्ड टू द पोजिशन वेयर दे सी ईच अदर एज अ वेरी डिजायरेबल ऑप्टिमेबल एंड कम्फर्टेबल पार्टनर, ये यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी का कहना है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ऐसा कहा गया है आप सभी को पता है, और आज के डेट में ये इनको एड्रेस कर रहे थे, तो जो यहाँ पर यूएस में जो इंडियंस रह रहे हैं उनको एड्रेस कर रहे थे। मिस्टर जयशंकर मेड द रिमार्क वाइल एड्रेसिंग द सेवरल हंड्रेड इंडियंस
अमेरिकन हु हैड गैदर्ड एट द इंडियन हाउस फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट टू अटेंड द सेलिब्रेटिंग कलर्स ऑफ द फ्रेंडशिप इवेंट ऑर्गेनाइज बाई द एम्बेसी ऑफ इंडिया हेयर ऑन सैटरडे. ठीक है, तो यहाँ पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया एम्बेसी ऑफ इंडिया के द्वारा और उसी इवेंट को ये एड्रेस कर रहे थे. ठीक है, सो इंडिया यूएस के रिलेशन आने वाले टाइम में बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं. डिफेंस मिनिस्ट्री ने कुछ रूल्स को टाइट किया है. डिसेबिलिटी कंपनसेशन के ऊपर जो रूल्स हैं उसको टाइटन करने की बात की गई है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप देखें या फिर आज के डेट में अगर आप देखें तो जो डिसेबिलिटी कंपनसेशन है वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा मिलिट्री पर्सनल्स और ऑफिसर ले रहे हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है द डेवलपमेंट कम्स आफ्टर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आस्क्ड द मिनिस्ट्री अर्लियर दिस ईयर टू कैरी आउट एन एनालिसिस ऑफ डिसेबिलिटी अमंग सोल्जर्स बेस्ड ऑन इट्स रिपोर्ट विच सेड दैट ऑलमोस्ट 40% ऑफ द ऑफिसर एंड 18% ऑफ द पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक हु रिटायर्ड एवरी ईयर वेयर ड्रॉ डिसेबिलिटी पेंशन. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 40% जो ऑफिसर हैं और 18% जो पर्सनल्स हैं जो कि बिलो ऑफिसर रैंक है वो यहाँ पर हर साल रिटायर हो रहे हैं और डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं. तो इसी पे इन्होंने ये रिपोर्ट मारी, इसको एनालाइज किया इन्होंने. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने ये सवाल किया और जो न्यू IR इन्होंने बनाया, जो न्यू इम्पेयरमेंट रिलीफ जो इन्होंने बताया उसके तहत यहाँ पर कहा गया कि वो कैसे कैलकुलेट करेंगे. इट विल डिफाइन परसेंटेज ऑफ द लास्ट रिकॉनेबल एनरोलमेंट एंड अवार्ड टू द आर्म फोर्स पर्सनल हु आर रिटायर्ड और डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस वॉलेंट्री एंड अदरवाइज विद अ डिसेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी अंडर सर्कमस्टांसिस एक्सपेक्टेड एज पर कैटेगरी बी एंड सी असिस्ट नॉट लेस देन 20%. ठीक है, तो 20% से कम नहीं होगा. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. डिफेंस मिनिस्ट्री ने तो ये रूल्स टाइटन किया फॉर द डिसेबिलिटी कंसर्न सेक्शन. ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है वो न्यू दिल्ली में शट डाउन हो चुकी है और इसकी जो पीछे का रीजन है वो बताया गया कि लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से हम एम्बेसी को शट डाउन कर रहे हैं. और यहाँ पर जो अशरफ गानी की जो सरकार है उसके टाइम पर आपको यहां पर देखा गया कि कोई भी एनवॉय यहां पर नहीं मिला, इसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है इंडिया में उसको शट डाउन कर रहे हैं. मॉनेटरी पेनल्टी यहां पर दी जाएंगी मेडिकल कॉलेजेस को अगर यहां पर उनके स्टैंडर्ड मैच नहीं करेंगे तो. ठीक है, नेशनल मेडिकल कमीशन ने यहां पर कहा कि अगर आपने हमारे स्टैंडर्ड मैच नहीं किए तो आपको लगभग 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 1 करोड़ के आसपास आपको यहां पर पेनल्टी देना होगा. और यहाँ पर कहा गया कि जो हेड्स हैं इंस्टीट्यूशन के हेड्स हैं डिपार्टमेंटल हेड्स हैं डॉक्टर्स हैं उनको भी यहाँ पर लगभग 5 लाख के आसपास पेनल्टी देना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड मेडिकल अकॉर्डिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023. ठीक है, तो अगर आपने इसको मेंटेन नहीं किया तो इसके तहत आपको क्या देना पड़ सकता है, आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए. ठीक है, हालांकि कुछ लोगों ने यहाँ पर कहा है कि इसकी वजह से आपको यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर में हाइक देखने को मिलेगा. हालांकि कुछ अदर लोग हैं उनका ये मानना है कि ये जो मूव है वो अनप्रेसेंडेंट मूव है टू कॉम्बैट नॉन कॉम्प्लायंस विद स्टैंडर्ड. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नो TB शॉर्टेज ड्रग्स इन द कंट्री मीडिया रिपोर्ट आर फॉल्स सेज हेल्थ मिनिस्ट्री. तो यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि जो TB शॉर्टेज की जो रिपोर्ट यहाँ पर मीडिया दिखा रही है ये झूठी है, हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक्स अवेलेबल है. ये मैंने आपको कल बहुत अच्छे से समझा दिया था, पूरा आर्टिकल डिटेल में आया था कि किस ड्रग्स की कमी है, कौन से जो कितनी रिक्वायरमेंट है स्टेट्स में और कितने यहाँ पर ड्रग्स उनको मिले हैं, तो ये भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था. तो अगर आप लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड सेक्शन में मूव करते हैं और देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है वर्ल्ड सेक्शन में. इंडोनेशिया सेट टू लॉन्च चाइना फंडेड हाई स्पीड रेल फर्स्ट इन साउथ एशिया. ठीक है, साउथ एशिया में पहला यहाँ पर इंडोनेशिया लॉन्च कर रहा है आज के डेट में बुलेट ट्रेन जो कि 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है. और मैं आप सभी को बता दूं कि ये ऐसे ट्रेन्स हैं जिनमें समय बहुत कम लगता है और तेज बहुत ज़्यादा चलता है. ठीक है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये टाइम को बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देगा, बहुत ज़्यादा रिड्यूस करेगा. लगभग 45 मिनट में अगर आप देखें तो जीवान सिटी ऑफ बुंदाक से आप यहाँ पर जकार्ता से आप जा सकते हैं जीवान सिटी ऑफ बंदुम. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पर कहा गया. और लगभग 600 लोग बैठ सकते हैं इस चाइनीज मेड बुलेट ट्रेन का नाम है वुक्स. ठीक है, इस चाइनीज मेड बुलेट ट्रेन का नाम है क्या है, वुक्स.
ओके, जिसमें लगभग 600 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर ये कहा गया कि द ट्रेन कैन रिच स्पीड अप टू 350 किलोमीटर एंड हैज़ अ कॉस्ट ज्वाइंट चाइनीज इंडोनेशियन वेंचर मोर देन 7 बिलियन टू बिल्ड, ठीक है। तो $7 बिलियन यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा रहा है टू बिल्ड सच प्रोजेक्ट, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। इंडोनेशिया की तरफ से ये न्यूज़ आ रही है और इंडोनेशिया आने वाले टाइम में बुलेट ट्रेन्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। यहाँ पर स्पोर्ट्स सेक्शन में आप सभी को पता है एशियन गेम चल रहा है, तो एशियन गेम के रिगार्डिंग मेडल्स है। आने वाले टाइम में मेडल्स बहुत तेज़ी से यहाँ पर मेडल जो टैली है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे इंडिया के फेवर में, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।